हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। आज के इस वीडियो में हम EasyAttack प्लस बॉक्स का ट्रेनिंग लेसन 16 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम MMC के प्रोडक्ट नेम को लेकर के बात करने वाले हैं। बहुत से बार कुछ MMCs ऐसे आती हैं जिनके अंदर उसका प्रोडक्ट नेम 00 हो जाता है, जिस वजह से फ़ोन डेड हो जाता है या ओनली कॉम्पोर्ट शो करता है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से ठीक करेंगे, मतलब कि MMC का हम प्रोडक्ट नेम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम MMC को EasyAttack बॉक्स में कनेक्ट कर लेते हैं और उसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो MMC है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वर्जन की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, इसमें एरर आए हैं। रोम 1 जो कि हमारा यूज़र एरिया होता है उसका साइज़ प्रॉपर नहीं है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रोम 2, रोम 3 जो कि हमारा बूट पार्टीशन 1 और बूट पार्टीशन 2 होता है उसका भी साइज़ प्रॉपर नहीं है। और अगर हम यहाँ RPMB के साइज़ को देखते हैं तो यहाँ पर भी 128 KB का साइज़ आ रहा है, और इधर आप देख सकते हैं कि RPMB इज़ Not yet program clear, और ना ही इसका MMC का जो वर्ज़न होता है इसमें देखिए 4.41 दिख रहा है, जबकि MMC साइज़ में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखिए साइज़ प्रॉपर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारा स्टोरेज होता है वो 128 बाइट्स के वेरिएशंस में हम काउंट करते हैं, तो इसलिए GB का साइज़ जो होता है वो 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो करीब 20GB के समथिंग इसमें साइज़ हमें देखने को मिल रहा है, और जो बूट 1, बूट 2 होता है उसका भी साइज़ प्रॉपर नहीं है, RPMB का भी साइज़ प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रॉपर नहीं है। जितने भी एरर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो MMC का जो प्रोडक्ट नेम है वो भी 00 हो चुका है, यहाँ पर इसका जो मैन्युफैक्चर है उसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इससे ये कन्फर्म होता है कि इस MMC के अंदर फर्मवेयर का इशू है, जिसके लिए हमें इसमें FFU राइट करना होगा। और देखिए FFU राइट अभी आप सभी को पता है कि सिर्फ सैमसंग की MMC पर अभी राइट हो रहा है, बाकी अदर ब्रांड्स के ऊपर अभी FFU फाइल जो है वो राइट नहीं हो रहा है। उस वजह से अभी हम किसी सैमसंग के अलावा अदर ब्रांड में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और ये जो MMC है ये सैमसंग की ही MMC है। देखिए अदर ब्रांड के अंदर FFU फाइल क्यों राइट नहीं होती है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं जिसके लिए आपको MMC को डीपली समझना होगा, उसके फंडामेंटल्स को, उसके प्रोटोकॉल्स को और उसके इंटरनली मैकेनिज्म को, जिसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना होगी। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अभी सिर्फ सैमसंग में ही पॉसिबल है, और ये MMC जो है सैमसंग की है, तो हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, और बाकी जो अदर ब्रांड्स हैं उनमें अगर ये प्रॉब्लम आती है तो वो सही होगी या नहीं होगी या किस तरह से उसे सही किया जाएगा, उसके ऊपर हम बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। अभी जो MMC हमारे पास आई है सबसे पहले हम उसे रिपेयर करेंगे, और इस MMC में इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए हमें FFU राइट करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर एडवांस टैब में आएंगे। एडवांस टैब में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अपडेट MMC फर्मवेयर का एक बटन होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और देखिए जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले MMC के ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा होता है हमें उसे कॉपी करना होता है, जो कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सीरियल नंबर सबसे पहले हमें इसलिए कॉपी करना होता है क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि इसमें जो MMC का नेम है वो 00 है, मतलब इसका प्रोडक्ट नेम नहीं आ रहा है, जिस वजह से आप देखेंगे तो MMC का जो फर्मवेयर अपडेट करने के दो ऑप्शन होते हैं, एडवांस मोड और इजी मोड। अगर इसका प्रोडक्ट नेम 00 नहीं होता तो ये इजी मोड में यहाँ पर इसका आपको जो सीरियल नंबर है वो शो हो जाता, लेकिन इसका प्रोडक्ट नेम 00 होने की वजह से इजी मोड में ये हमारी MMC डिटेक्ट नहीं होगी, जिसके लिए हमें एडवांस मोड पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो है ओवरराइड फर्मवेयर, इसे हम टिक करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर ये बटन ऑन हो जाएगा, और इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी जो FFU फाइल है सैमसंग की वो सभी यहाँ पर सेटअप इंस्टॉल करने पर आ जाती है, और हमने जो इसके अंदर MMC कनेक्ट करी है उसका सीरियल नंबर हमने ऑलरेडी नोटपैड में नोट किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर सीरियल नंबर नोट किया है उसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे ताकि हम हमारी इस MMC के ऊपर FFU फाइल को राइट कर सके, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस EasyAttack के सेटअप में ही हमें मिल जाती है। देखिए मोस्टली
90-95% सैमसंग की जो FFU फाइल्स होती हैं वो EasyJTAG के सेटअप जब हम इंस्टॉल करते हैं तभी उसमें आ जाती है। लेकिन कुछ MMCs अगर ऐसी होती हैं जिनका FFU फाइल EasyJTAG के सेटअप में इंस्टॉल नहीं होता है तो उसे हमें अदर किसी वर्किंग सेम MMC से रीड करना होता है, या फिर आप नेट पर सर्च कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। तो जो हमारी MMC है इसका सीरियल नंबर जो है उसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे जो कि है KLMAG। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे KLMAG, दोबारा से सीरियल चेक करेंगे 1JENB 1JENB। देखिए यहाँ पर दो नंबर दिख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में B0 इसके अंदर जो है हमारा आ रहा है। और हमने देखा यहाँ पर के जो दो आ रहे हैं उसमें देखिए ये हमारा जो MMC का नंबर है B041 है, इसे हम सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो FFU फाइल है वो सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर नीचे जो कन्फर्म बटन है उस कन्फर्म बटन पर हमें क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर जो EasyJTAG बॉक्स की तरफ से मैसेज आता है उसका मतलब ये है कि आप जो FFU फाइल राइट करना चाहते हैं वो उसको ऐसा लग रहा है इसमें डाउट है कि जो आपकी MMC है और ये फर्मवेयर है उसमें कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं अपडेट करने के बाद, क्योंकि हमें कन्फर्म है कि जो हमने सीरियल नंबर सिलेक्ट किया है वो इसी MMC से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम क्विट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम राइट FFU फाइल पर क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो हमारी FFU फाइल है वो हमारी इस MMC के ऊपर राइट होना स्टार्ट हो गई है। देखिए यहाँ पर जो हमारी MMC है उसके ऊपर सक्सेसफुली FFU फाइल राइट हो चुकी है। और एक बार हम इस MMC को डिटेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या हमारा प्रोडक्ट नेम जो है वो वापस आ गया है। देखिए फ्रेंड्स हमारी MMC यहाँ पर आइडेंटिफाई हो चुकी है और आप देखेंगे यहाँ पर हमारी MMC का जो नेम है मतलब प्रोडक्ट नेम है वो यहाँ पर आ चुका है जो कि पहले 00 था। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो ROM का साइज है और जो हमारा ROM 2 ROM 3 जो कि हमारे बूट पार्टीशन होते हैं वो 4MB पर आ चुके हैं और जो RPMB होता है वो भी आप देखेंगे तो 4MB पर आ चुका है। और देखिए ये MMC सैमसंग की है तो सैमसंग की जितनी भी MMCs होती है जब भी हम उन्हें डिटेक्ट करते हैं तो उसमें फर्मवेयर राइट का ऑप्शन जो होता है मतलब FFU राइट करने का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें FFU फाइल को राइट करना होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम किसी भी सैमसंग की MMC के ऊपर FFU फाइल राइट करते हैं तो उससे हमारा जो RPMB के अंदर CPU का सिक्योरिटी की होता है वो इरेज हो जाता है। उस वजह से ये जिस भी फ़ोन के अंदर MMC लगी हुई थी उसका CPU की RPMB की जो हैश की होती है वो इरेज हो जाने की वजह से अगर हम इस फ़ोन को प्रॉपरली डंप प्रोग्रामिंग करते हैं डंप राइट करने के बाद प्रॉपरली प्रोग्राम करते हैं तो ये हैंडसेट ऑन नहीं होगा, ओनली कॉम पोर्ट शो करेगा, जिसका रीज़न ये है कि CPU की ID जो है वो इरेज हो चुकी है। मतलब CPU की जो ID हमारे RPMB पोर्शन के अंदर जो हैश की होती है CPU की वो इरेज हो जाने की वजह से हमारा ये जो फ़ोन है वो ऑन नहीं हो पाएगा, ओनली कॉम पोर्ट शो करेगा। तो देखिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अभी फ़िलहाल में एक तरीका ये होता है कि आप इंजीनियरिंग फाइल का यूज़ करें जो कि अभी मोस्टली हमें शाओमी के हैंडसेट में ही देखने को मिलती है। ओप्पो वीवो जैसे जो हैंडसेट हैं जो क्वालकॉम बेस्ड हैं उसके अंदर फ़िलहाल में अभी इंजीनियरिंग फाइल अवेलेबल नहीं होती है। और उसके पीछे एक रीज़न और होता है, उनका जो सिक्योरिटी का क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है शाओमी के मॉडल्स के कंपेरिजन में। और देखिए उस चीज़ को समझने के लिए आपको MMC को प्रॉपरली समझना होगा, वो किस तरह से काम करती है वो सभी की जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप इन सभी फॉल्ट को समझ पाएंगे कि किस काम को हम कर सकते हैं किस काम को हम नहीं कर सकते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको इसमें प्रोडक्ट नेम रिपेयर करके बताया है और इस MMC को दोबारा से हम फ़ोन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको हम आपको आगे आने वाले लेसन्स में बताएंगे। देखिए ज़्यादातर टेक्नीशियन जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि RPMB क्लीन करने के बाद हम MMC को किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है। हमने हमारे YouTube चैनल पर अभी तक इसलिए किसी भी फ़ोन की MMC चेंज करने का वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है जो कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद ही समझ सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि जो टेक्नीशियन होते हैं उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, उन्हें बस इतना ही लगता है कि बस हम RPMB क्लीन कर देंगे और उसे हम किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। MMC अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है,
इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हम ईएमसी चेंज कर सकते हैं, किस कंडीशन में हम ईएमसी चेंज नहीं कर सकते हैं, जिन्हें देखिए हम आगे आने वाले लेसन्स में स्टेप बाय स्टेप कवर जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं ईएमसी के जितने भी इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि खासकर ईएमसी चेंज करने को लेकर के, प्रोग्रामिंग करने को लेकर के, और भी ऐसे बहुत से फॉल्ट होते हैं जिन्हें आप इजीली रिपेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो कि इजीली रिपेयर हो जाते हैं, इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है डीप लेवल का नॉलेज लेना होगा। तो अगर आप चाहते हैं पर्सनली हमसे ट्रेनिंग लेना, तो एवरी मंथ हमारी जो ईएमसी की बैचेस स्टार्ट होती है वो 15 से स्टार्ट होती है, मतलब कि हर महीने की 15 तारीख को हमारी ईएमसी की बैचेस स्टार्ट होती हैं, जो कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। और देखिए, जिन भी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार हमारे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर होते हैं वो ईएमसी की हमारी क्लासेस को लेकर के बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो इसी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो हमारी ईएमसी की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो एवरी मंथ 15 से स्टार्ट होती है, मतलब हर महीने की 15 तारीख से हमारी ईएमसी की बैचेस स्टार्ट होती हैं, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस में होती हैं, जिनका जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होता है। इसमें देखिए, हमारी जो ईएमसी की क्लासेस होती हैं वो 6 वीक की होती हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स होते हैं वो ईएमसी की थ्योरी और फंडामेंटल्स को लेकर के होते हैं, कि किस तरह से ईएमसी काम करती है, इसका इंटरनल मैकेनिज्म किस तरह से होता है, कितने प्रोटोकॉल्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, और किस तरह से हमारी ईएमसी फ़ोन के अंदर वर्क करती है, इन सभी को हम थ्योरी में जो है आपको क्लियर करते हैं। उसके बाद में किस तरह से इनके फॉल्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, किन कंडीशंस में ईएमसी चेंज होती है, किन कंडीशंस में ईएमसी चेंज नहीं होती है, रैम रोम किस तरह से हम अपग्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में जो है हम थ्योरी पोर्शन में एक एक डाउट क्लियर करते हैं। उसके बाद में हम 1 वीक UFI का प्रैक्टिकल लेते हैं, 1 वीक जो है इजी अटैक का प्रैक्टिकल लेते हैं, उसके बाद में 1 वीक जो पूरा थ्योरी का होता है वो UFS चिप के ऊपर होता है, उसके बाद में लास्ट वीक जो हमारा होता है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ ईएमसी एरर होता है, जितने भी जो एडवांस लेवल के एरर इसके अंदर आते हैं उन्हें किस तरह से हम रिकॉग्नाइज करेंगे और किस तरह से हम उन्हें जो है ठीक करेंगे, मतलब प्रॉपरली उसे क्लियर करेंगे। इन सभी फॉल्ट को हम स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे स्टूडेंट्स को समझाते हैं। वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम EasyJTech और UFI को स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं जल्द से जल्द इस ट्रेनिंग को कवर करना, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 6 वीक की होती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने इसकी फ़ीस, क्योंकि लास्ट 3 मंथ से बहुत कम की हुई है, पहले इसकी ईएमसी की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती थी वो हम 10,000 में करते थे, लेकिन अभी ओनली 5,999 में अब इसकी ट्रेनिंग हो रही है, जो कि 6 वीक की होती है, जो कि आप मॉर्निंग या इवनिंग बैच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस अभी बहुत कम है, कुछ महीनों के लिए हमने अभी इसकी फ़ीस को बहुत कम किया हुआ है। अगर आप चाहें तो पर्सनली हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि हम जूम ऐप पर लेते हैं। 1 आवर की क्लासेस होती है, जो कि मंडे टू थर्सडे होती हैं, 6 वीक की हमारी क्लासेस होती हैं, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ईएमसी की ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी हमारी वेबसाइट के थ्रू उसमें पेमेंट करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए, वैसे तो हमारी फ़ीस बहुत कम है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे क्रेडिट कार्ड से EMI पर पे कर सकते हैं, जो लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से इसे EMI पर भी पे कर सकते हैं और हमारी ईएमसी के ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको ईएमसी के प्रोडक्ट नेम को रिपेयर करना बताया, जो कि 00 हो गया था, और इस ईएमसी को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है उसे भी हम आगे आने वाले लेसन में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।